गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट न्यू टॉपिक एविडेंस फॉर द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है, और फर्स्ट जो अपना टॉपिक आता है इसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या पढ़ रहे हैं अपने? एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी जो एटम्स होता है उस एटम में से क्या है कि जब लाइट पास आउट करते हैं, पास थ्रू करते हैं, तो लाइट क्या होती है कि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है या उसका कुछ अमाउंट क्या होता है कि एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कि जैसे क्या है कि अपने कोई भी पार्टिकल से आपने रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो उनमें आप देख रहे हैं कि उनका क्या होता है कि जो पाथ होता है वो पथ क्या होता है उनका डाइवर्ट होता है। ठीक है, कुछ में क्या होता है कि भाई वो एब्जोर हो जाते हैं। ठीक है, और एब्जोर होने पर अपने यहाँ पर क्या है कि जो इमिशन और एब्जॉर्जन एब्जॉर्प्शन टॉपिक आएगा इसके बाद, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो द स्पीड ऑफ लाइट है वो डिपेंड किस पर करती है कि मीडियम के नेचर पर डिपेंड करती है। आपको पता है कि जो लाइट होती है कि लाइट को अपन वैसे अपने को पता है कि मूव मोशन के लिए क्या है कि उसको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो नेसेसरी। ठीक है, तो मीडियम नहीं है तो आपको पता भी है कि जो वैक्यूम है, तो वैक्यूम में आपको इस टॉपिक में पढ़ भी चुके हैं पीछे भी कि वैक्यूम में जो लाइट स्पीड होती है वो क्या होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद अगर मीडियम आता जाएगा तो क्या होती जाएगी इसकी स्पीड में कुछ चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो अब उसी टॉपिक पर अपन यहाँ पर बात करेंगे कि जो वाइट लाइट होती है। ठीक है, तो वाइट लाइट को जैसे अपने प्रिज्म में से क्या करते हैं, पास आउट करते हैं, पास थ्रू करते हैं, तो प्रिज्म में से जब लाइट पास आउट होती है तो वो क्या होती है कि अपने रिलेटेड कलर यानी कि 7 कलर्स, जिसको आप अपने रेनबो का कलर्स जानते ही हैं, उसके आपके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा भी हुआ है छोटी क्लास वोज में, तो उसका आपको सीरियल भी पता है। वो सीरियल क्या होता है, VIBGYOR। ठीक है, और ये सीरियल किस बेस पर होता है कि इनकी वेवलेंथ पर होता है। ठीक है, कि जब ये क्या है कि प्रिज्म में से पास आउट होती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कलर्स हैं, इन कलर का जो पथ है उसका डाइवेशन डाइवर्ट जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और उस रीजन से क्या होते हैं कि ये कलर अपने को शो हो जाते हैं। तो लाइट कलर जो होता है वो क्या है कि उसकी स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। रेड कलर की स्पीड क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो वो क्या है कि सबसे कम वो क्या होता है, डाइवर्ट होता है। जबकि जो वायलेट कलर है वो क्या होता है कि मैक्सिमम डाइवर्ट होता है। तो इसलिए क्या है कि आप इनका कलर्स जब देखते हैं तो ये क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है, लोअर साइड होता है, और रेड कलर क्या होता है, अपर साइड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इज पास। ठीक है, कि जिसमें से ये पास आउट होती है उसके उस मीडियम पर क्या है कि इसकी स्पीड क्या करती है, डिपेंड करती है। एज ए रिजल्ट द बीम ऑफ लाइट इज डाइवर्टेड और रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पथ एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है ये कि पास आउट होते हैं, तो इनका जो रियल पथ होता है वो क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल पथ होता है वो क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है, जिसे अपनी क्या बोलते हैं यहां पर, रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म आपको पता होगा कि क्या होता है कि एक ट्राइंगुलर सिस्टम में होता है। ठीक है, और आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये लगभग इस तरह से शो होता है, डायग्राम इस तरह से, लेकिन इसकी शेप इस तरह से होती है। कि अब क्या होता है कि जब इस पर आप वाइट रे, इंसिडेंट रे इस पर आती है, तो क्या होता है कि इस पॉइंट पर आकर क्या होगा कि यहाँ पर इसका कलर डाइवर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये 10th क्लास में एक डायग्राम बनाया था और मैंने आप लोगों को बताया भी था, 10th में भी आपको इस टॉपिक को बताया था। ठीक है ना, तो ये कलर क्या है कि डाइवर्शन होता है। तो इसका रीजन क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया कि जो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द मीडियम नेचर्स।
ठीक है, कि मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर क्या है कि मीडियम का जो नेचर है उस रीजन से क्या होगा कि इनकी जो कलर्स है, यानी कि इसमें जो व्हाइट लाइट है इसमें क्या है, सेवन कलर्स होते हैं, स्पेक्ट्रम है ये, और इस स्पेक्ट्रम में सेवन कलर्स हैं, और सेवन कलर्स हैं तो इनकी क्या है कि क्या होगी कि स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है, डिफरेंट हो जाती है, और डिफरेंट के रीजन से क्या है कि ये कलर शो होते हैं आपको। द वेव विद शॉर्टर वेवलेंथ बेंड मोर देन, ठीक है, कि शॉर्टर वेवलेंथ यानी कि जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो रेडिएशन होती है, ठीक है ना, उनका बेंड क्या होता है, मोर देन होता है, मोर होता है, जबकि क्या होता है कि जो लॉन्ग वेवलेंथ होती है उनका बेंड क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना, बेंड मोर देन द वन विद ए लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। द विजिबल रेंज ऑफ रेंज ए रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू ए सीरीज ऑफ कलर, सीरीज क्या है कलर की, विबजोर, VIBGIO वार, ठीक है, कलर बैंड कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है, कि जैसे इसमें ये आपको फॉर्म बता रहा हूं मैं, तो ये क्या है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है, नेक्स्ट क्या होता है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंज फ्रॉम वायलेट एट 7.50 एट 10^14 Hz टू रेड एट 4×10^14 Hz, सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मीन क्या होता है कि जब ये कलर डाइवर्ट होते हैं, ठीक है, कि ये कलर क्या है कि आपस में, जैसे आप रेनबो में देखते हैं कि इस तरह से उसकी शेप आती है, डी शेप में आता है, ठीक है, तो ये कलर्स जो होते हैं तो इन कलर्स में क्या होता है कि वन कलर से उसके क्लोजेस्ट जो कलर होता है उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है, यानी कि इनका जो एक तरह से अपन ये कहते हैं कि जो ऐसा एक पॉइंट होता है कि जहाँ पर दोनों कलर्स क्या होते हैं कि बोथ कलर्स आर क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और फिर अगला कलर शो होता है। ऐसे ही क्या है कि जैसे वॉयलेट कलर है तो वो किसके किसे इंडिकम कलर से कुछ कवर्ड रहेगा उसका पार्ट, ऐसे क्या है इंडिकम कलर का ब्लू कलर से, तो आपको कलर बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट नहीं दिखते हैं, शो नहीं होते हैं, उसमें क्या है कि उसका कुछ पार्ट क्या होता है कि इनसे आपस में क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं। तो इस तरह से इस रीजन से क्या बोला जाता है इसको, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस बिकॉज वॉयलेट मर्गज इंटू ब्लू, ब्लू इंटू ग्रीन एंड सो ऑन, ठीक है ना, कि ये क्या होते हैं कि इनका जो मर्ज होता है तो वो क्या होते हैं कि इससे कुछ इनका पार्टीशन क्या हो जाता है, कवर्ड होता है। रिमेंबर दैट वायलेट विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन, ये आपको एक डायग्राम से मैंने बताया था, स्केल बनाया था उसमें आपको बताया था कि इनकी जो रेडिएशन होती है विजिबल की, वो आपको बताई थी 452 कितनी, 750 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपको विजिबल कलर की रेंज बताई थी। और ये क्या होता है कि एक स्मॉल पोर्शन होता है, ठीक है, कि जो अपनी जो लाइट है उस लाइट का क्या है कि जो विजिबल लाइट है, टोटल जो लाइट आती है उस लाइट का, टोटल लाइट का क्या है कि जो विजिबल लाइट पार्ट है वो पार्ट क्या है कि एक स्मॉल अमाउंट में होता है, ठीक है, स्मॉल पोर्शन है, और जिसकी रेडिएशन क्या है कि जो लेंथ है वो क्या होती है 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर के अराउंड होती है, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर एटम एंड मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी, कि जब ये क्या होता है किसी मैटर से या एटम से क्या होते हैं कि इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है इसका कुछ स्मॉल पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब होता है, और ये जो एब्जोर पार्ट है ये क्या है कि इसी को अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये नॉन रेगुलर स्पेक्ट्रम रहेगा, ठीक है, एंड रीच टू ए हायर एनर्जी स्टेट विद हायर एनर्जी दीज आर इन ए अनस्टेबल स्टेट फॉर रिटर्निंग टू दियर नॉर्मल एनर्जी स्टेट द एटम एंड मॉलिक्यूल इमिट रेडिएशन इन वेरियस रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है कि यहाँ पर इस पार्ट्स का मीन क्या है यहाँ पर, कि क्या होता है कि जब किसी मैटर से या किसी
किसी एटम से क्या होती है कि विजिबल लाइट क्या होती है, स्ट्रक होती है, उससे हिट करती है, ठीक है ना, या उसे अपन ये बोलते हैं कि इंट्रैक्ट होता है। तो इंट्रैक्शन के रीजन से क्या होता है कि उसका एनर्जी का यानी कि इनका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जोर हो जाता है। और एब्जोर होने पर क्या है कि जो मैटर है, मैटर्स के पार्टिकल्स हैं, या क्या है कि जो एटम्स है वो क्या करता है कि एक्साइटेड एनर्जी एब्जोर करके क्या होता है कि लो एनर्जी स्टेट से क्या है कि हाई एनर्जी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। और जो हाई एनर्जी स्टेट होती है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और अनस्टेबल के रीजन से क्या है कि वो कि बाद में क्या करेगा कि उस एनर्जी को क्या करेगा, जो उसने एब्जोर की थी उस एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। और इमिट करने पर क्या है कि वापिस से किस में आएगा, लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा, ठीक है। तो इस रीजन से क्या है कि इस रीजन से क्या होगा कि यहां पर इमिशन ऑफ रेडिएशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बात आती है इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसके फेवर में जो अपने एक अलग से बात हो रही है। तो अब इस पर क्या है कि देखो आपको वर्ड से ही ये चीज समझ जानी चाहिए आपको, ठीक है, कि इमिशन यानी कि क्या होता है, रेडिएशन का आउट होना, एब्जॉर्बेशन यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इमिशन में जो अभी अपने लास्ट अभी जो इसी टॉपिक पर अपने इससे पहले वाली जो अपने पैराग्राफ रीड किया है उसमें आपको ये बात क्लियर हुई भी है, ठीक है, कि जब क्या होता है कि कोई भी जो स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है कि किसी सब्सटेंस से स्ट्रक करता है, ठीक है, तो उसका कुछ पार्ट क्या होता है, एब्जोर होता है, ठीक है। एब्जोर होगा तो वो क्या करेगा कि बाद में अपनी लोअर स्टेट में आएगा, भाई हायर एब्जोर करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो वो अनस्टेबल पोजीशन है, ठीक है, अनस्टेबल स्टेट है। तो उस रीजन से क्या है कि वो एनर्जी क्या करेगा, इमिटेड करेगा, और इमिटेड करके क्या करेगा कि लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। तो ये जो स्पेक्ट्रम जो इमिटेड हो रहा है वो क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम होगा। इसी तरह से इसका ऑपोजिट सिस्टम क्या होता है कि जब किसी मैटर से क्या होता है कि ये स्टक होते हैं और वो क्या करता है कि उसको एनर्जी को एब्जोर्व भी करता है लेकिन इमिशन नहीं करता है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम। यानी कि जब ये किसी मैटर से क्या करते हैं, इसको इंटैक्ट कराते हैं स्पेक्ट्रम को, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका विजिबल लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है कि इससे क्या हो जाता है, एब्जोर्व हो जाता है उस पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। देखिए आप इसमें, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाई ए सब्सटेंस दैट हैज एब्जोर्ब एनर्जी इज कॉल्ड एन इमिशन स्पेक्ट्रम। एटम, मोलिक्यूल और आयन दैट हैव एब्जोर्ब रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी कि एक्साइटेड स्टेट से क्या होगा, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। एन एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव। जैसे आपको अब तो कैमरे आप देख रहे हैं कि दूसरे सिस्टम के आ गए हैं, कि जो अपने लगभग अपनी ये कहें कि 2000 के आसपास में क्या है कि अपने कैमरे दूसरे तरीके के थे, जिनमें क्या डलती थी, एक रील डलती थी जिसमें लगभग 36 के आसपास स्नैप्स आप ले सकते थे, पिक ले सकते थे। तो उसमें क्या है कि जो नेगेटिव होती है, आप इसमें मोबाइल्स के, आपके पास मोबाइल्स भी है तो मोबाइल्स में भी आप कैमरे की सेटिंग चेंज करके क्या है कि आप नेगेटिव लेते हैं, ठीक है ना। तो नेगेटिव मीन क्या होता है कि ओनली वहाँ पर सेफ दिखती है आपको, ठीक है, कि भाई जिसके भी अपने पार्ट का क्या है कि वहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो फोटो क्या है कि ओनली वहाँ पर क्या है कि उसका सेफ शेप आपको शो होती है, ठीक है ना, वहाँ पर कोई कलर शो होता है ना कोई वैसे शो होता है, तो वो क्या है कि क्या है कि एक तरह से फोटोग्राफिक नेगेटिव है, ठीक है। एन इमिशन स्पेक्ट्रम ए क्वांटिनम ऑफ रेडिएशन इज पास्ड थ्रू ए सैंपल विच एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ए सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है। द मिसिंग वेवलेंथ विच कोरस्पोंड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाई द मैटर लीव डार्क स्पेस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है। द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्बेशन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू ए स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है ना। यानी कि इनके क्या है कि एब्जॉर्बेशन और इमिशन स्पेक्ट्रम
किसके, इसकी जो स्टडी है वो किसके लिए रेफर की हुई है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब कि इस टॉपिक पर जो मेन बात होती है वो किसके उसमें अंडर में आती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्क्लोज अबाउ वाज कंटिन्यूअस एज ऑल वेवलेंथ रेड टू वायलेट ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड इन द स्पेक्ट्रा। द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज, ठीक है, ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो ए कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट रेदर देन इमिट लाइट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेस बिटवीन दैम। सच स्पेक्ट्रा आर कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, कि मीन यहाँ पर क्या है कि जो कोई भी जो रेडिएशन होती है वो रेडिएशन क्या है कि भाई वेवलेंथ है रेड टू वायलेट, ठीक है, तो ये जो विजिबल लाइट का जो क्राइटेरिया है इसमें क्या होता है कि जब ये क्या होता है कि किसी भी उससे क्या होता है गैस फेज में अपन बात करें तो ये क्या है कि कॉन्टिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू लाइट रेड टू वायलेट, यानी कि यहाँ पर ये क्या है कि कॉन्टिन्यूस में नहीं होता है सिस्टम यहाँ पर। और इसमें क्या है कि जो डार्क स्पेस में रखते हैं अपने को कैसे मालूम हो कि डार्क प्लेस पर अपने इसको क्या करते हैं कि रखते हैं ऐसे पार्टिकल्स को, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो स्पेक्ट्रा सो होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है एक लाइन में आता, ठीक है, और जिसे अपने क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। रॉबर्ट बुनसन वाज वन ऑफ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेटर्स टू यूज लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट लाइक रूबीडियम सीजियम टाइथेलियम इंडियम गैलियम स्कैंडियम एंड ही वाज डिस्कवर्ड इन द सन बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यानी कि इस मेथड के बाद ही क्या है कि इन एलिमेंट्स की क्या हुई है रिसर्च हुई, ठीक है, खोज हुई है डिस्कवरी हुई है। ठीक है, अब जो बात आती है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन पर बात करेंगे तो यहाँ पर अपन 5 सीरीज पढ़ेंगे, बाल्मर पासान, ठीक है, ये 5 से सीरीज है ऐसे, तो इन 5 सीरीज पर अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।